नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से वीडियो लेकर आई दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है, तो फाइनली रिलीज कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस फॉर्म के लिए किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो इस फॉर्म के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को 125 पोस्ट देखने को मिलेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। तो दोस्तों, ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक अप्लाई चल रहा है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और चैनल सपोर्ट जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप लोग को तुरंत आप लोग को नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप लोग को क्या करना है दोस्तों, सिंपली से आप लोग को चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब बटन को दबा देना, उसके बाद नोटिफिकेशन और बेल आइकन को बजा देना, आप लोग को भी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो फाइनली मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ 125 पोस्ट देने को मिलेगी, ये ऑल ओवर इंडिया है, किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप लोग को पोस्ट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। पोस्ट नेम आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों, देख सकते हो जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर इंजीनियरिंग, मैनेजर इंजीनियरिंग, डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग, डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिसर सेक्रेटरियल, असिस्टेंट ऑफिसर सेक्रेटरियल, असिस्टेंट ऑफिसर आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ये आप लोग को ऑनलाइन में एकदम से अप्लाई करना होगा दोस्तों। 15 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 15 अप्रैल 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। जो लोग इंटरेस्टेड थे इस फॉर्म के लिए, अगर आवेदन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 15 अप्रैल पहले आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। दोस्तों, सैलरी भी इस पर आप लोग को दिया गया है, आप लोग को अलाउंस अदर प्लस भी देखने को मिलेगा। तो बात आती है दोस्तों, इसमें पोस्ट कैटेगरी फिर से उन लोग डिवाइड कर दिए गया है दोस्तों। देख सकते हो जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट देने को मिलेगा, मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट देने को मिलेगा, डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट देने को मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट देने को मिलेगा, ऑफिसर इंजीनियरिंग के लिए 53 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों। देख सकते हो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आप लोग को 2 पोस्ट देने को मिलेगा, डिप्टी मैनेजर के लिए आप लोग को 1 पोस्ट देने को मिलेगा, ऑफिसर के लिए आप लोग को 34 पोस्ट देने को मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलेगा, मैनेजर आईटी के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलेगा, डिप्टी मैनेजर आईटी के लिए आप लोग को 3 पोस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए 3 पोस्ट, ऑफिसर आईटी के लिए 2 पोस्ट, जनरल मैनेजर के लिए आप लोग को सीसी के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलेगा, डिप्टी मैनेजर सीसी के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप लोग को 1 पोस्ट देखने को मिलेगा, ऑफिसर सीसी के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलेगा, चीफ मैनेजर के लिए 1 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इस पर आप लोग को दोस्तों मैं आप लोग को सारी दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। मैनेजर लॉ के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलेगा, ऑफिसर लॉ के लिए 2 पोस्ट देने को मिलेगा, ऑफिसर सीएसआर के लिए 1 पोस्ट देने को मिलेगा, असिस्टेंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए आप लोग को 3 पोस्ट देने को मिलेगा, असिस्टेंट ऑफिसर सेक्रेटरियल के 2 पोस्ट देने को मिलेगा, ऑफिसर राजभाषा के लिए आप लोग को 1 पोस्ट देखने को मिलेगा, असिस्टेंट ऑफिसर राजभाषा के लिए 1 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों। टोटल मिला के सारी टोटल पोस्ट होगा दोस्तों 125 पोस्ट देखने को मिलेगा। तो बात आती है दोस्तों, इसमें नंबर आप लोग को, नंबर वैकेंसी आप लोग को इस पर भी आप लोग को सारी आप लोग को देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने बताया था तो दोस्तों आपको भी खुद आप देख सकते हो, इसलिए जरूर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो बात आती है दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, बात करें तो एप्लीकेशन फीस यू आर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को पे करना होगा दोस्तों। एस सी एस टी पीडब्ल्यू वुमेन कैंडिडेट और अदर कैंडिडेट के लिए आप लोग को एप्लीकेशन फीस देने की कोई जरूरत नहीं नील है दोस्तों। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेगा तो दोस्तों पहले आप लोग को दोस्तों इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 15 मार्च से लेके स्टार्ट हो चुका है, 15 अप्रैल तक 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको जरूर डाउनलोड कर लेना, आप लोग को भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जरूर डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई लिंक ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, देख सकते हैं ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, इस तरफ से आप लोग को दोस्तों देखने को मिलेगा। पहले आप लोग को क्या करना होगा, न्यू रजिस्टर करना होगा। न्यू रजिस्टर करने के लिए डोंट हैव एन अकाउंट बटन, देख सकते हो रजिस्टर नाउ बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों।
जैसे रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली से ईमेल आईडी डाल देना, उसका बाद मोबाइल नंबर डाल देना, उसका बाद वेरीफाई योर डिटेल बटन पर क्लिक कर देना, उसका बाद आपका लॉगिन आईडी आप लोग को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा दोस्तों। आप इसलिए आप लोग को ईमेल एक्टिव ईमेल आईडी एंड एक्टिव मोबाइल नंबर जरूर डाल देना, क्योंकि एक्टिव ईमेल आईडी एक्टिव मोबाइल नंबर पर सारी इन्फॉर्मेशन उन लोग सेंड कर दिया जाएगा। इसलिए जरूर बिना देख के ऐसे तैसे आप लोग को ईमेल आईडी डालो मत, क्योंकि एक्टिव ईमेल डालना जरूरी है। तो आप लोग के फायदा होने के लिए आप लोग को जरूर ईमेल आईडी डाल देना। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को, क्योंकि मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस दिखाने वाला था लेकिन थोड़ा सा डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम इस सबसे मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊंगा। आप लोग को सिंपली सिंपल प्रोसेस जो भी जैसे मैं बोल रहा हूँ उससे आप लोग को कर देना, करते करते जाना आप लोग को ऑटोमेटिकली आप लोग को लास्ट फाइनल में प्रीव्यू ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद फाइनल ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आप लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, पेमेंट ऑप्शन भी मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आपको भी देखने को मिलता रहेगा और पूछता रहेगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।